भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 2,963 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,456 लोगों ने संक्रमण को मात दी और 14 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 18,124 है। इससे पहले शनिवार को 2,858 नए केस दर्ज हुए थे और 9 लोगों की मौत हुई थी। कल तक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 18,096 थी। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 4,31,19,235 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं 5,24,245 मौतें हुई हैं। देश में अब तक कुल 4,25,76,889 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 1,91,15,90,025 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितम्बर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर 2020 को 50 लाख, 28 सितम्बर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख और 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।